क्लास सेवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप इसमें से आज जो रिवीजन करेंगे हम लोग, बताए थे कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वगैरह आएगा, तो प्रॉफिट लॉस का कुछ प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रॉफिट लॉस में हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, और कोई बच्चा प्रॉफिट लॉस में एक दो फॉर्मूला का यूज करेगा प्रॉफिट निकालने या लॉस निकालने में, बाद बाकी पूरा ये परसेंटेज पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। लेकिन चल सब छोड़िए, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहां पे, इफ सीपी इक्वल टू रुपीज कितना हम लोग का है 950, गेन का मतलब प्रॉफिट, याद रखिएगा गेन का मतलब प्रॉफिट, गेन इक्वल टू 6% है, देन एसपी इक्वल टू व्हाट, तो बताइए कि एसपी कितना होगा। अगर सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना है तो इस जगह पर बुक में आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका हेल्प लेके बनाइए, और जब हम लोग का स्कूल खुलेगा तो पूरा इसको परसेंटेज के रूल से समझाएंगे। उतना लंबा हम लोग नहीं करते हैं कि सारा फॉर्मूला याद करने का कोई नीड नहीं है, एक दो फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस का करते हैं, बाद बाकी सब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। चलिए तो इसमें एक फॉर्मूला हम लोग का है, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो एक फॉर्मूला हम लोग का आएगा एसपी इक्वल टू, एसपी निकालना है तो सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100, यही फॉर्मूला है, बस इसको सेट करेंगे, इस पर आंसर मेरा आ गया। सीपी मेरे पास कितना लिखा हुआ है 950, और 100 प्लस गेन परसेंट करेंगे तो 106 आएगा, क्योंकि 100 में 6 स्क्वायर करेंगे तो 106 आ गया, मतलब 106 आ गया, और नीचे आपका 100 आ गया, 10 चाहेंगे इससे काट देंगे, कैंसिल हो गया। अब ये 5 का टेबल से 5 2 10 और 5 19 95, 2 का टेबल से काटेंगे 2 5 10 और 2 3 6, जब इसको 19 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 57 बैलेंस 5, 19 5 95 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 100 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर ₹1007 आ गया, तो यहाँ प्रॉफिट होने के कारण से सेलिंग कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का वैल्यू ज्यादा होगा, और ये ज्यादा मेरा आ गया, आंसर आ गया 1007 हम लोगों का सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला भी हो गया हम लोगों का, और इससे भी हम लोग प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे अच्छा सबको, इसलिए कि प्रॉफिट लॉस रिवाइज करेंगे तो आप फॉर्मूला आपको ऐसे ही मोटा मोटी लर्न हो जाएगा। ओके थैंक यू। क्लास 7 ध्यान से देख के इसको बनाइए।